नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं यूपीपी के लिए बच्चों महारिवीजन। यूपीपी के बच्चों के लिए महारिवीजन की बच्चों ये क्लास है, जिसमें आप देख पा रहे हैं जो भी यूपीपी का एग्जाम देना चाहते हैं स्टूडेंट, उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमने क्वेश्चन लेके आया है। ये बच्चों आपका मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास में आप देखेंगे आपके हिंदी हिंदी और आपके जीके से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम आपका रिवीजन करा रहे हैं। कल तक हमने 9-1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक जाना था, आज हम 10वां क्वेश्चन से रिवीजन करते हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है। तो अगर बात करें रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान में स्थित है। दरअसल ये एक नदी होती है, रिहंद नदी, रेणुका नदी भी इसे कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, राइट। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत नामक जलाशय के नाम से भी यह जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें, देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। तो अगर आपको बताते चले भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न में सबसे यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन है, खाद्यान्न है, दलहन है, तिलहन है, मसाले हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो भारत में उत्तर प्रदेश जिला का पैदावार सबसे बड़ा जो उत्पादक है वह है गेहूँ, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गेहूँ ऑप्शन जो है सही है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यूपीपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता क्षेत्र कहाँ है। तो बच्चों अगर बात करें उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला किस क्षेत्र में है, तो यहाँ पर देखो गंगा घाघरा दोआब में। दोआब मतलब होता है जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, जहाँ पर नदियाँ आस पास मिलती हैं, जहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा मात्रा होता है उस स्थान को कहा जाता है दुआब, राइट। गंगा घाघरा दुआब। और यहाँ पर देखिए कौन कौन से जो पैदावार है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, समशीतोष्ण और कटिबंधीय पौधा होते हैं, राइट। और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग 241 खेती, ठीक। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक जो क्षेत्र है वह है गोरखपुर में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस नहर परियोजना में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश के किस नहर परियोजना में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं बच्चों ऊपरी गंगा नहर यानी हरिद्वार उत्तराखंड में स्थापित है। और यहाँ पे बात करते चले मध्य गंगा नहर, यहाँ पर देखिए उद्गम बिजनौर गंगा नदी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निचली गंगा नहर नरौरा बुलंद शहर गंगा नदी, राइट। चलिए अगला बच्चों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट इस साल यूपीपी का एग्जाम देकर वर्दी लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके यूपीपी के एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन फंसने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्वी मैदान, पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, उपर्युक्त सभी मैदान में। सबसे कम है भदोही यानी 3.7 वर्ग मीटर है, ठीक। और सर्वाधिक कम कहाँ है, यहाँ पे आप देख पा रहे सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है और मिर्जापुर में है। चलिए बच्चों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यूपीपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए, राइट। यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं पायराइट्स, यहाँ पे देखिए जैसे सोनभद्र जो है वो चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, ठीक। ललितपुर जो है ये तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। प्रयागराज क्या है, सिल्का बालू, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रयागराज में बच्चों अगर आप जब आप आएंगे देखेंगे कभी जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे बालू का पूरा भंडार है, यहाँ पे बालू वालू का चोरी होता रहता है प्रयागराज में आए दिन,
जब देखो यहाँ बालू वालू चोरी वोरी करके लेके भागते रहते हैं ट्राली ट्रैक्टर में, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडू साइड्स पैरासाइड्स मिर्जापुर, ठीक। बाग साइड जो है बांदा चंदौली में है, जिप्सन जो है ये आप देख पा रहे हैं झांसी व हमीरपुर में है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम जो कि आपके यूपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार कौन सा है। तो स्टूडेंट अगर बात करें राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार कौन सा है, यहाँ पे आप देखिए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर है, ठीक। और हस्तिनापुर का अगर आप देखेंगे नाम बदल के रख दिया गया बारहसिंघा, बारहसिंघा वन्य जीव है बिहार। उसके बाद इनकी स्थापना कब की गई थी, 1986 में। क्षेत्रफल के रूप में अगर देखा जाए 2073 वर्ग मीटर, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला बच्चों अगर देखा जाए यूपीपी के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्योग के लिए कौन सा जनपद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप देख पा रहे हैं ये आपके एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। यहाँ पर देखिए है क्या, उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्योग के लिए कौन सा जनपद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अगर चीनी जनपद चीनी मिट्टी, चलिए स्टूडेंट अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कि आपके आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन लिया है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के उद्योग के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है। तो बुलंदशहर, चीनी मिट्टी का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। आपको बताते चले स्टूडेंट चीनी मिट्टी का जो उपयोग होता है सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर किया जाता है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं पात्र होते हैं इन सभी में इनका सबसे ज़्यादा निर्माण में किया जाता है। आप जानते होंगे स्टूडेंट जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं अचार उचार रखने में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कटहल का अचार हो गया, आम का अचार हो गया, इन सभी को रखने में सबसे ज़्यादा इनका उपयोग किया जाता है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र खुर्जा बुलंदशहर, पीतल के बर्तन संत कबीर नगर आजमगढ़ गोरखपुर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों अगर यहाँ बात करें देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा जा रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे इस साल यूपीपी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जो बच्चे वर्दी लेना चाहते हैं, वो बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर पुटअप करेंगे, जरूर पढ़ेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर कितने वर्षों की टोल टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया है। तो बच्चों अगर बात करें जो आपका यमुना, ये देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस साल आपके यूपीपी में आपका जो सेकेंडरी एग्जाम होने वाला है इसमें जरूर पूछ सकता है। 36 वर्ष यानी कि बर्थ यहाँ 36 वर्ष इसका यमुना एक्सप्रेसवे का 36 वर्ष वसूला जाएगा। 36 वर्ष में आप बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर भी हो जाएंगे, तब तक ये वसूला जाएगा, ठीक। और नोएडा आगरा 165 किलोमीटर तक ये बना हुआ है, अस्तित्व में है। 9 अगस्त कब ये अस्तित्व में आया, कब बनाया गया, 9 अगस्त 2012 में। चलिए अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पारसनाथ, पारसनाथ का किला किस जिले में है। और आपको बताते चले देखिए स्टूडेंट हम आपको कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट ले आते रहते हैं कि जिससे जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उन्हें एक ही बार में याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पारसनाथ का किला किस जिले में है। देखिए हमारे गांव में पारसनाथ है, उनका नाम भी है पारसनाथ। तो अब ये हम पॉइंट बोल दिए तो आपको हमेशा याद रहेगा पारसनाथ का किला किस जिले में है। बिजनौर में है। कहाँ पर है स्टूडेंट, बिजनौर में है। रामगढ़ किला कहाँ है, वाराणसी में है। और पटलर पैलेस कहाँ पर है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे लखनऊ में है, ठीक। चलिए अगला अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो भी स्टूडेंट इस बार यूपीपी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं वो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान देंगे। अगर बच्चों आप दरोगा बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, डंडा से दौड़ा दौड़ा कर लोगों को मारना चाहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2011 की जनपद, 2011 की जनगणना में किस जनपद में महिला व पुरुष साक्षरता का अंतर सबसे कम है। 2011 का जब जनगणना हुआ स्टूडेंट
तो आप देख पा रहे कौन सा ऐसा जनपद है जहां महिला व पुरुष साक्षरता का अंतर सबसे कम है, तो रहा कानपुर, राइट। यहां पे आप देख पा रहे स्टूडेंट क्या रहा, कानपुर रहा, क्या रहा स्टूडेंट, कानपुर रहा, ठीक। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अब हम लोग मुलाकात करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हम आपको छोटा छोटा क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।